नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा कुछ ऐसी बातों के बारे में करेंगे जहां गलत और सही का अंदाजा नहीं मिल पाता, या ये नहीं समझ में आता कि ये करें या वो, या ये सही कि वो। तो ऐसे सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे, फिर देखिए आप सबको कैसा लगता है, बात जमती है कि नहीं जमती है। तो मैं सिचुएशंस बताऊंगी कि भाई कभी कभार कैसा हो जाता है और आप ऐसी जगह फंस जाते हो, या आपका सोचना जो होता है वो आपको सही लगता है लेकिन कई बार जो दूसरा सोच रहा है वो भी सही होता है और ये आप भी महसूस करते हो। ये ज्यादा करके खास बात है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंडशिप्स की। फ्रेंडशिप में कई बार होता है, आपने देखा ही होगा कि जो नजरिया फ्रेंडशिप का आपका होता है, हो सकता है दूसरे का नहीं हो। और वही चीज है कि जो चीज आपको बुरी लग गई, हो सकता है दूसरे को फर्क भी ना पड़ा हो, या दूसरे के लिए वो उतना मायने नहीं रखती हो। मेरे साथ एक बार क्या हुआ कि मेरी एक दोस्त, उसके साथ मेरी बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी, बहुत ज्यादा। हर चीज हम शेयर करते थे, उठना बैठना साथ में था हर वक्त, और बहुत ही क्लोज थे। हाँ, सडनली किसी कारणवश दूरियां आ गई। अब जब दूरियां आ गई तो आप कोशिश करते हो, आप मैसेजेस भेज रहे हो या कुछ कुछ कर रहे हो, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो जब रिप्लाई नहीं आता तो आप भी धीरे धीरे मायूस हो जाते हो और फिर ये चीज आप छोड़ देते हो। आपको लगता है कि शायद अब आप उसके जीवन में, या सामने वाले, या फ्रेंड के जीवन में, उस फ्रेंड के जीवन में आपकी वो वक्त नहीं है, या वो इम्पोर्टेंस नहीं है, वो जगह नहीं रही, तो आप आगे बढ़ जाते हो, कोशिश तो करते ही हो एटलीस्ट। तो बात खत्म हो जाती है। फिर सडनली एक दिन फिर से उस बंदी का मैसेज आता है कि यू वॉन्ट टू कैच अप। तो हुआ एंड कहां से अचानक सडनली चलो कैचअप पे जाएंगे, क्योंकि भाई अगेन यू वर कनेक्टेड, यू वर वेरी क्लोज। तो जब ऐसा मैसेज आया तो आप भी थोड़ा, आपको एक्साइटमेंट होता है, चलो भाई चलते हैं। आप कैचअप पे जाते हो, मैं भी गई। फिर आप बातें कर रहे हो और बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब आपके पास बातों का कोई इतना भंडार था कि बातें खत्म ही नहीं होती थी। और इस सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कहां क्या बात करें, क्या शुरू करें, क्या बात करें, क्या बोलें। और बोलो से भी बदतर स्थिति, भरे तो हुए ही थे, वो कम शायद हम ज्यादा। तो किसी बात पे हुआ तो हमने कहा कि भैया अब तुम्हें फुर्सत कहां हमारे जैसों से बात करने की, ऐसी चीजें होती ना, हम टॉन्ट तो कसी देते हैं मौका मिला नहीं कि टपकाया है ना। हिंट कई बार सटल होता है, कई बार एकदम डायरेक्ट कि भैया तुम्हें कहाँ फुर्सत, तुम अपने जीवन में इतनी व्यस्त हो कि हमसे कहाँ बात करने की तुम्हें फुर्सत, और तुमको तो याद भी नहीं कि हम कभी दोस्त हुआ करते थे। तो बंदी ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, मुझे याद है और मैं जानती हूँ, मैं कुछ टाइम से बिल्कुल किसी के टच में नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़े बुरे दौर से भी गुजर रही थी। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया, ऐसा कौन सा दौर था भैया तुम्हारा, क्योंकि हम सब बुरे दौर से गुजरते हैं और फिर दोस्त होते किस लिए हैं, जो अगर आप बुरे दौर से गुजर रहे थे तो आपने कोशिश क्यों नहीं की बात करने की, यानी तुम दोस्त नहीं मानती हो। तो उसने कहा नहीं, मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी और मुझे नहीं इच्छा थी किसी से बात करने की। तो इस पॉइंट पे मुझे सोचने में आया, मजबूर किया कि आप बताएं कि अब आप ये देखें कि मैं अपनी जगह सही थी। मेरे हिसाब से दोस्ती का मतलब ये है कि भाई जब हम एक दूसरे से सब शेयर करें और जब मुसीबत में हो तो दूसरे को याद करें, ये मेरे लिए दोस्ती है। हाँ, सुख में ना भी याद करें तो चलता है, लेकिन दुख में जरूर याद कर लें। तो दुख में अगर आप याद करते हैं, यानी मैं आपके लिए मायने रखती हूं, क्योंकि आपने दुख में हमें याद किया। कहते नहीं है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, तो हम तो ऐसा ही सोचते हैं ना। तो हमें तो बड़ा हर्ट हुआ उसका नजरिया। उसने कहा ऐसा नहीं है, ये जस्ट मेरी पर्सनैलिटी है कि मुझे नहीं शेयर करना किसी से, मुझे कुछ चीजें सिर्फ अपने आप से ही टैकल करनी होती हैं या अपने आप से ही सुलझानी होती हैं, मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं समझती। और इससे ये नहीं है कि हमारी तुम्हारी दोस्ती में कोई कमी है।
दोस्ती आज के दिन मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ही याद करूँगी, लेकिन जब मेरे हिसाब से मुझे ज़रूरत होगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं कि तुम सोचती हो कि मुझे ज़रूरत है, नहीं, मुझे उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, उस वक्त मुझे अकेले रहने की ज़रूरत थी। तो मैं ये जान चाहती हूँ कि तुम इस बात को समझो, तभी ना तुम हमारी दोस्त हो। मैंने कहा ये लो, ऐसी स्थिति में दिमाग में आया कि हाँ यार, दोनों लोग ठीक हैं, नहीं कि वो जो ये कह रही है कि भाई उसका तरीका अलग है, तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना, और जो हमारा सोचना है कि भाई अगर हम जरूरत में काम नहीं आए तो हम दोस्त कैसे, या ऐसे कैसे यार कि जब तुम तकलीफ में हो तो तभी तुमने याद नहीं किया, तो तुम कैसी दोस्त हो, या मैं कैसी दोस्त हूं तुम्हारी, यानी तुम मुझे पे ट्रस्ट नहीं करती हो। तो दोनों नजरिए ठीक हैं और दोनों नजरिए अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इसमें जरूरत तो सिर्फ यही है कि फ्रेंड अगर अकेली है और नहीं कॉन्टैक्ट कर रही, तो समझ जाओ वो किसी उस दौर से गुजर रही है जहां वो अकेला रहना चाहती है। तो आप मैसेज करके उसको इतना बोल सकते हो कि मुझे पता है यू मस्ट बी गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट टाइम, लेकिन हमेशा याद रखना मैं हूं यहां, जब तुम्हें जरूरत पड़े तो प्लीज भूलना नहीं, मैं हूं। जब उसे जरूरत पड़ेगी, जब वो उस अंधेरे से बाहर आएगी और उसको लगेगा कि अब मैं किसी को हाथ फैलाऊं या किसी की तरफ बढ़ूं, तो सबसे पहले आपको ही याद करेगी या करेगा दोस्त। फिर एक और बात इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपको असमंजस में डाल दे ऐसी सिचुएशन, वो है एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज या अपॉर्चुनिटी। ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना लाइफ में, इनको रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है। कब आती हैं दरवाजे पे, कब खटखटाती हैं पता नहीं चलता। कई बार होता है कि आप सोचते हो और अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपको दिखती हैं, लेकिन आप उनको ले नहीं पाते हो क्योंकि आप उन्हें पहचान नहीं पाते हो, और वो चली जाती हैं और बाद में आपको याद आती हैं, अरे यार एक टाइम था, पता हमें इस आदमी ने ना ऐसा बोला था करने को या ये ऑफर किया था और हमने उस वक्त उस पर ध्यान नहीं दिया, और अब देखो वो आदमी कहाँ है और मैं अगर उसके साथ होती तो कहाँ होती करियर वाइज, राइट। कितनी बार ऐसा होता है, कितने लोग ऐसी बातें करते हैं। तो क्या हुआ है, हमने अपॉर्चुनिटी मिस करी है ना। कई बार क्या होता है कि आप जब फैमिली सेटिंग्स में होते हो, स्पेशली मैरिड वुमेन की बात कर रही हूँ, स्पेशली क्योंकि ये जो मैरिड लोग होते हैं ना, इनकी बड़ी औरतों की, खास करके आदमियों की नहीं, औरतों की, उनको बहुत ज्यादा ये रियलाइज कराया जाता है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इज योर करियर इंपॉर्टेंट और योर फैमिली और योर हस्बैंड और योर हस्बैंड्स करियर और योर सास ससुर और व्हाटएवर, कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिगर पिक्चर में हमेशा औरतों को ये बताया जाता है कि फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका ससुराल पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही चीज अगर आदमी की होती है तो नहीं सोचा जाता। आज अगर सोचिए आदमी के पास कहीं से ऑफर आए भयंकर अपॉर्चुनिटी का, कौन उसे रोकेगा, कोई नहीं, उसकी माँ बाप, उसकी बीवी, नेवर, बच्चे, नेवर, कोई नहीं रोकेगा, कोई इमोशनल बेड़ी उस पर नहीं डाली जाएगी और उसको वो अपॉर्चुनिटी आराम से वो ले सकता है क्योंकि उसको इतना सपोर्ट मिलेगा। वहीं अगर औरत को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके सामने ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि तुम इस वक्त जाओगी, बच्चे का हाई स्कूल है यार, या फिर इस वक्त जाओगी, पापा बीमार हैं, या इस वक्त जाओगी, हमारी शादी होने वाली है यार, तुम इस वक्त चली जाओगी तो कैसे चलेगा यार, फिर शादी पोस्टपोन करें तो कैसे चलेगा यार, तो फैमिली को कैसे समझाऊंगा यार, समझा करो यार, कभी कभार एडजस्ट कर लिया करो, कभी कभार कॉम्प्रोमाइज कर लिया करो, क्योंकि रिलेशनशिप्स तो कॉम्प्रोमाइज से ही होती है ना। ये सवाल हमेशा आते हैं और फिर बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि कौन सही है, क्या ये कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना सही है, या कि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। फिर वही है, इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो समझे उस चीज को कि उस वक्त उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, सिर्फ अपने अंदर झांक कर देखिए ऐसे मौकों पर कि क्या आपके लिए जरूरी है, क्या आप मिस करोगे वो दूसरी कोई भी चीज, आप किसी भी चीज को लोगे तो कोई एक चीज छूटने वाली है हमेशा, जिसको जैसा उस वक्त उचित लगे, क्योंकि दोनों ही सही हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटी लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं
तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। और जो अगर हम ये सोच लेते हैं कि नहीं यार बच्चे का हाई स्कूल है उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, या मेरे माँ बाप बीमार हैं, या कोई और विपदा आई है, या मेरी शादी होने वाली है, शादी ज्यादा जरूरी है, कैसे मैं करियर को चूज कर लूं, तो वो भी ठीक है। तो अंत में ये कुछ नजरिए मैंने बताए जो दो तरफा होते हैं और बड़ी भारी विपदा में लोगों को डाल देते हैं, ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि मैं सही कि तुम सही। और ये तीनों चारों सिचुएशंस जो भी मैंने बताई, इसमें दोनों पार्टी सही हैं, दोनों तरफ का पक्ष सही है और दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल उचित सोच रहे हैं। बस वही है कि जो जो वो सोच रहे हैं वो उनके लिए सही है और जो दूसरा सोच रहा है वो उनके लिए सही है, और इसको चलाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए हमें उनको और उनको हमें थोड़ा थोड़ा समझ लेना है और फिर कदम बढ़ाना है सोच समझ के कि किधर जाना है या क्या करना है। चलिए होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा, कुछ बताने की कोशिश की है, आप लोग कुछ समझे होंगे जरूर। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले भूलिएगा नहीं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है वो देखते हैं वीडियो उन्हें भी शुक्रिया, लेकिन सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो मेरा चैनल थोड़ा आगे बढ़ेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा जरूर बेहतर हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात किसी और चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।